ऑल राइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो आज हम बात करेंगे उनके लिए जिनकी शादी फ्रॉड करके हुई है। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो शादी है वो फ्रॉड करके की है, तो इसमें क्या ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, भले ही वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, यानी कि हस्बैंड के साथ अगर वाइफ ने फैक्ट्स छुपा के शादी कर ली है और बाद में उसको फैक्ट्स पता चलता है, या फिर हस्बैंड के साथ ऐसा होता है, या ठीक है या वाइफ के साथ ऐसा होता है कि हस्बैंड की कोई कमी थी या फिर वो छुपाई है और बाद में उसको पता चलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ना हम बोलते हैं वर्ड एबल मैरिज। एक होता है वर्ड मैरिज, एक होता है वर्ड एबल। ठीक है, वर्ड मैरिज वो होती हैं जैसे कि 18 साल से कम वाली शादी, ठीक है, या फिर पेरेंट्स को बताया नहीं, या उनकी जो कंसेंट ली वो डरा धमका के ली थी, ठीक है, या फिर नशे में किसी से शादी कर ली, वो होती है वर्ड मैरिज। ठीक है, एक होती है वर्ड एबल मैरिज, यानी कि वो मैरिजेज जो शादी करने के बाद वर्ड कराई जा सकती है। ठीक है, तो तभी उसका नाम है वर्ड एबल। ठीक है, क्या नाम है उसका, वर्ड एबल। ओके, तो जो डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको पढ़ना है तो ठीक है आप पढ़ लेना वहाँ से, ये जो सेक्शन वगैरह सारा कुछ है, बस मैं आपको जनरल बातें बता रहा हूँ क्या है। ठीक है, तो सेक्शन 12 डील करता है वर्ड एबल मैरिज से। ठीक है, वर्ड एबल की मैरिजेज वर्ड एबल कराई जा सकती है। तो पहली है जैसे कि सपोज आपसे कोई भी फैक्ट्स छुपाया गया, ठीक है, अब फैक्ट्स जैसे कि कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको जनरल बातें बता देता हूँ कि क्या क्या मतलब जो लॉ बोलता है वो क्या है, और लास्ट में बोलता है एनी अदर फैक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ और ग्राउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है कि सपोज वाइफ है वो प्रेग्नेंट है पहले से ही, ठीक है, और शादी होती है तो वो पहले से ही प्रेग्नेंट होती है, तो अगर प्रूफ हो जाता है तो उसको आप वर्ड एबल मैरिज करा सकते हो। ठीक है, या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो, ठीक है, जैसे कि हस्बैंड ने अपने आप को कुछ बताया लेकिन वो बाद में कुछ और निकला, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ तो आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो अपनी जो मैरिज है वो वर्ड एबल करार कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे $1 मिलियन क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम वर्ड एबल करार करके हम मेंटेनेंस ले सकते हैं। देखो, मेंटेनेंस नहीं ले सकते आप, डैमेजेस ले सकते हो। ठीक है, मेंटेनेंस तब लेते हैं जब लीगल वाइफ होती है या फिर कुछ ऐसा, ठीक है, तो आप डैमेजेस ले सकते हो जो भी आपका नुकसान हुआ हो। ठीक है, समझ रहे हो, जो जब भी आपने मतलब गुड फेथ में शादी की थी तो उसमें जो खर्चा हुआ होगा तो वो आप डैमेजेस ले सकते हो। ठीक है, वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है, वो कितना फिक्स करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि शादी आप नल एंड वॉइड करा सकते हो, वॉइडेबल मैरिज करवा सकते हो। आपकी शादी हुई और आपको बाद में पता चला कि इसने मेरे साथ झूठ बोला है या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है, XYZ, तो आप उस चीज़ को वॉइड करा सकते हो। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 12 की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कोर्ट में। ठीक है, तो वो उसको विचार करेंगे, फिर अगर आपको जो भी आपकी डिमांड है आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे उसके ऊपर होगा जो कोर्ट में जाएगा, यानी कि सपोज वाइफ को पता चलता है कि वो हस्बैंड फ्रॉड है, ठीक है, तो वाइफ के ऊपर बर्डन है कि भाई आपने आरोप तो लगा दिया, आप प्रूव भी करो। ठीक है, आप प्रूव भी करो, तो आपको ही प्रूफ करना पड़ेगा। कहने का मतलब है जो कोर्ट में जाएगा, ठीक है, शिकायत लेके उसी को प्रूव भी करना पड़ेगा वो शिकायत कि हाँ भाई ऐसा सच में हुआ है या नहीं। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, वाइफ के ऊपर। अगर वाइफ को लगता है कि हस्बैंड ने उसके साथ धोखे से शादी की है तो ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो आप डैमेज ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि, और वो डैमेज डिपेंड करता है कि कोर्ट देखेगा सब्जेक्ट मैटर कितना है। ठीक है, तो सब कुछ देखता है, आप ले सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, और अपनी मैरिज वर्डेबल करा सकते हो और आप नई मैरिज परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक इसका गोल्डन रूल है, सपोज आपको पता है कि आपके साथ फ्रॉड हुई है शादी, ठीक है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपको 1 साल के अंदर ही एक्शन लेना है। ठीक है, अब मान लो आपको पता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप लेते हो 3-4 साल बाद एक्शन, तो देखो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको पता चलता है तो आपको तुरंत ही एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्लियरली लिखा गया है कि 1 साल से पहले ही आपको लेना पड़ेगा। अगर आप अगर आपको पता है कि फ्रॉड हुआ है और फिर भी आप 1 साल तक साथ रह रहे हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है, मॉरल यही है कि आपको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है ऐसे केस में। ठीक है, तो आप वर्डेबल करा सकते हो मैरिज। ठीक है, वो कहने वाली बात है कि शादी पवित्र है, ये है वो है। ठीक है, तो देखो अगर हम लॉ में बताऊँ मैं आपको, तो मैरिज इज़ ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टी है, 2 पार्टी है, ठीक है, लेन देन होता है ना जो, तो उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया है। ठीक है, तो बिजनेस नहीं है, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो बिजनेस, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर। चल